नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कर्ज मुक्ति के कुछ छोटे छोटे उपाय। और ये उपाय बहुत ही कारगर हैं। यदि आप पूरे शिद्दत से इस उपाय को करते हैं तो आपको काफी लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ हम आपको छोटे छोटे टिप्स भी देंगे कि यदि मान लीजिए आप कर्ज ले रहे हैं तो कर्ज लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर मान लीजिए आप कर्ज दे रहे हैं किसी को तो भी आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आप अपने परिवार में ही किसी को कर्ज देते हैं और वह कर्ज आपको समय से नहीं मिलता है, और इसके लिए आप उनके जो संबंध होते हैं उनमें भी काफी दरारें पड़ जाती हैं, मनमुटाव आ जाता है। जो व्यक्ति कितने प्रेम से आपसे कर्ज लेने आया था और फिर जब आप उससे अपना कर्जा वापस मांगते हैं तो उससे मनमुटाव होता है, फिर वो आदमी इधर उधर भागा भागा फिरने लगता है। ऐसा भी बहुत बार देखा गया है। वैसे तो कायदे से कर्ज आपको लेना ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति बिल्कुल एक रुपए भी जिसके ऊपर कर्ज नहीं है वही व्यक्ति सुखी माना जाता है इस पूरे संसार में, दुनिया में। लेकिन अभी तो कर्ज बहुत सारे लोग अपनी खुशियों के लिए लेते हैं। जैसे कि आप किसी गाड़ी को ले रहे हैं तो आदमी कुछ डाउन पेमेंट करके लोन पे पूरा ले लेता है, तो वो भी एक प्रकार का कर्ज ही होता है। चाहे आप सरकार से लें या फिर किसी सगे संबंधी से आप कर्ज ले रहे हैं तो कर्ज तो कर्ज ही होता है। और कभी कभी हम ऐसी स्थिति आ जाती है, मान लीजिए आप किसी फ्लैट की बुकिंग करा रहे हैं, उसको भी एक प्रकार से कर्जा ही माना जाता है, क्योंकि आपने कुछ ही डाउन पेमेंट किया होता है और बाकी उसकी जो किस्त होती है उसे आपको हर महीने पे करनी होती है, और यदि आप समय से नहीं करते हैं तो आपका जो ब्याज होता है वो बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है, कई महीने का इकट्ठा हो जाता है कि आपको उसे एक साथ पे करना मुश्किल हो जाता है, और फिर आपको बहुत सारी चिंताएँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसे में मान लीजिए आप कोई घर खरीद रहे हैं या फिर कोई बड़ी अमाउंट का कर्ज लोन ले रहे हैं सरकार द्वारा, बैंक से आप ले रहे हैं, तो भी आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। पहली बात तो आपको कभी भी बुधवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए, लोन सेंशन आपका नहीं होना चाहिए, इस बात का हमेशा आप ध्यान दें। क्योंकि बुधवार के दिन आप यदि कर्ज लेते हैं या फिर किसी को कर्ज देते भी हैं तो भी आपका वो चुकता नहीं होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में नियम बताया गया। तो इसलिए आप बुधवार के दिन कर्ज ना लें। साथ ही जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि मंगलवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए, मैंने दोस्तों आपको एक वीडियो भी इस पे दी थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मंगलवार के दिन हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो कर्ज चुकता नहीं होता है। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी व्यक्ति को मंगलवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए, ये बात सच है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए ये पर्टिकुलर चीजें लागू नहीं होती हैं। क्योंकि जैसे आपकी मंगल की दशा चल रही है या फिर आप मंगल प्रधान व्यक्ति हैं तभी आपके लिए ये बात लागू होती है, वरना आप मंगलवार के दिन मान लीजिए आपका कर्जा चुकता नहीं हो रहा है, आप बहुत परेशान हैं, तो आप अपने किस्त की पेमेंट पहली बार जब जमा करने जाएं तो मंगलवार के दिन किया करें। इससे आपका क्या होता है कि आपका जो कर्ज होता है वो जल्दी जल्दी चुकता होने लगता है, क्योंकि मंगल के जो प्रमुख देवता हैं वो वीर हनुमान जी को माना जाता है, और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं। और यदि आप भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हुए यदि अपने कर्जे का शुरुआत करते हैं, कर्ज यदि चुकता करने की शुरुआत करते हैं तो बहुत जल्द उससे आपको लाभ मिलता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आपको शनिवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। शनिवार के दिन यदि हम कोई कार्य करते हैं, क्योंकि शनि की गति बहुत मंद होती है, जो शनि ग्रह होते हैं उनकी गति बहुत मंद होती है, धीरे धीरे वो चलते हैं, तो यदि आप शनिवार के दिन कर्ज लेते हैं तो आपका कर्ज बहुत धीरे धीरे चुकता होता है, यानी कि बहुत लंबे समय तक आपके ऊपर वो कर्ज लदा रहता है। इसलिए आप शनिवार के दिन कर्ज ना लें, यानी कर्ज लेने से बचें। तो इस तरह से इन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि कर्ज चुकता करने के लिए कौन से आपको उपाय करने हैं। तो उपाय में हम आपको कुछ देवी देवताओं से संबंधित उपाय बताएंगे और कुछ उपाय आपको ऐसे बताए जाएंगे जिसमें आपके बहुत सारे धन खर्च नहीं होंगे, कुछ समय आप खर्च करते हैं तो भी आपके कर्जे चुकता हो पाएंगे जल्दी से।
तो पहले तो उपाय है कि आप हनुमान जी की आराधना शुरू कर दें यदि आपने कर्जे लिए हैं। जब से ही आप, जैसे मान लीजिए कभी किसी ने कार का लोन सेंशन कराया है या मान लीजिए आपने अपने फ्लैट की बुकिंग करा ली है, तभी से आप हनुमान जी की आराधना शुरू कर दें। आप प्रतिदिन शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की आराधना करें, यानी उनके मंदिर जाएं, उन्हें मीठे भोग प्रसाद में लगाएं, यानी बूंदी के लड्डू प्रसाद में लगाएं। और प्रसाद क्या करना है, आपको उसी मंदिर के प्रांगण में छोटे छोटे बालकों को बांटना है। कुछ प्रसाद स्वयं अपने घर खाएं, यानी कि घर लेके आते हैं, अपने परिवार के जनों को भी देना चाहिए और कुछ अन्य लोगों को भी वितरित करना चाहिए। और साथ ही आपको हनुमान जी से कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि पहले तो कुछ नहीं करते हैं, जब उनका लोन या जो भी होता है वो पूरा नहीं होता है तब वो हनुमान यानी भगवान जी के शरण में जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जब से आपने कर्ज लिया है तभी से यदि भगवान की शरण में रहेंगे तो आपका कर्जा बहुत जल्द चुकता हो पाता है। कभी कभी हमारी इतनी अच्छी हालत नहीं होती है कि हम उस कर्ज को चुका पाए, तो भी इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपका कर्जा चुकने का एक सुगम रास्ता निकल पाता है। दोस्तों जो ये उपाय होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम इन उपायों को करके उस कर्जे से, यानी कि उस कर्जे को चुकाने से बच जाएंगे। तो आपको चुकाना तो पड़ेगा ही, किसी भी प्रकार का कर्ज हो, आपने किसी व्यक्ति से लिया है, सरकार से लिया है, किसी भी प्रकार का कर्ज हो, बिना कर्ज चुकाए आपको इस संसार से मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए आपको किसी का कर्ज अपने ऊपर रखना नहीं चाहिए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, किसी भी प्रकार का कर्ज आपको अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अब हम दूसरा उपाय जानेंगे कि कर्ज मुक्ति के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है गजेंद्र मोक्ष का पाठ। गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपने सुना होगा, बहुत ही शुभ होता है। अभी हम आपको उसको पुस्तक भी दिखाएंगे, गजेंद्र मोक्ष के एक पुस्तक आती है, उसका पाठ आपको करना चाहिए। ऐसा करने से बड़ा कर्जा आपका चुक जाता है और यदि आप किसी मुकदमे से भी परेशान है तो भी आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना बहुत ही फलदायी होता है। तो आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना शुरू करें और ये आप जो पाठ करेंगे ये सुबह सवेरे आपको करना है, सूर्योदय के साथ में, ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। रविवार के दिन से आपको शुरू करना है। रविवार के दिन से आप हर रविवार कर सकते हैं या फिर रविवार के दिन से लगातार आप कर सकते हैं, जैसे आपके पास समय का अभाव ना हो तो आप इस तरह से करें। लेकिन करना आपको ही है, ऐसा नहीं कि आपके जगह पे कोई अन्य व्यक्ति कर सके। आप स्वयं करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको अधिक मिलेगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने के लिए बहुत ज्यादा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रतिदिन की तरह स्नान ध्यान करें, शुद्ध साफ वस्त्र पहने, हो सके तो लाल वस्त्र धारण करें और एक लाल रंग का आसन लें और खुले आसमान के नीचे, जैसे कि आप बालकनी में, छत पे, कहीं भी आप बैठ के, और एक पात्र में जल भरें और साथ में एक घी का दीपक भी आप जला सकते हैं और फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके आप अपने कर्ज मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आप यह पाठ करें। पाठ में एक गजराज की कथा है जो कि वो भंवर में फंस जाता है, यानी जलाशय में फंस जाता है। एक मगरमच्छ ने उसके पैरों को अपने मुंह में दबा लिया होता है और वह अपने सभी सगे संबंधियों को याद करता है और कोई उसे काम नहीं देता है। और जब वो बिल्कुल डूबने के कगार पे आता है, यानी कि उसकी सूंड इतनी दिखती है बस, तब वो ईश्वर की शरण में जाता है और फिर भगवान विष्णु उसे उसका उद्धार करते हैं। तो इस तरीके से हम मनुष्य भी जब बिल्कुल किसी चीज से फंस जाते हैं कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम ईश्वर की आराधना करते हैं, तभी हमारे जो कार्य होते हैं वो नियति समय पर पूरा नहीं होते। इसीलिए मैंने कहा ना, जब से आप कर्ज ले तभी से आप ईश्वर की आराधना वंदना करना शुरू कर देते हैं तो आपका कर्ज बहुत जल्द चुकता होता है। तो एक तो ये उपाय हो गया कर्ज मुक्ति के लिए, और दूसरा उपाय बहुत अच्छा है दोस्तों, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र भी सूर्य का मंत्र है, तो आप यह मंत्र बिल्कुल आप पढ़े। गायत्री मंत्र अपने आप में बिल्कुल सिद्ध मंत्र होता है। इसे पढ़ने के लिए आपको किसी भी गुरु दक्षिणा की या फिर किसी योग साधना की आवश्यकता नहीं होती है। आपको स्नान ध्यान करने के बाद शुद्ध साफ वस्त्र पहने एक आसन जरूर बिछाना चाहिए। आसन आप कोई भी पूजा पाठ करें तो आप जरूर बिछाएं और
सूर्य भगवान के सामने भी आप कर सकते हैं, अपने देव स्थान पे भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने पूजा मंदिर में भी इस तरह से कर सकते हैं। प्रतिदिन 108 बारी आपको गायत्री मंत्र करना है, और गायत्री मंत्र करने के बाद आपको भगवान से अपने कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। इसलिए पहले हम आपको पुस्तक दिखा देते हैं। ये है गजेंद्र मोक्ष की पुस्तक, और इसका ही पाठ आपको करना है जो मैंने अभी आपको तरीका बताया है। इसमें छोटी सी पुस्तक है, करीब आपको करीब 1.25 घंटा लगता है। यदि आप बहुत ही ध्यान पूर्वक इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको सभी बातें समझ में आ जाएंगी, और बहुत मनोरंजन भी है। मतलब एक प्रकार से आप पढ़ने लगेंगे तो आपका मन लगने लगेगा, एक कथा के रूप में है, तो पाठ करना है। और आप तीसरा उपाय जो है, ये एक प्रकार से ये टोटके के रूप में है, आप इसे जरूर करें। साथ में गायत्री मंत्र का जो आपका पाठ चल रहा है उसे आप चलने दें। तो करना क्या है, आपको 1.5 मीटर कपड़ा लेना है, वाइट कपड़ा लेना है, और थोड़ा सा चमकीला हो, ब्राइट कपड़ा हो, जिसे सॉटन का कपड़ा भी आप कह सकते हैं, उस तरीके से आप कपड़ा लें। और कपड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए, पुराने कपड़े में कभी भी आपको कोई उपाय नहीं करना होता है। और उस कपड़े को आप बिछा लें, और उसके ऊपर आपको 5 गुलाब रखने हैं। गुलाब के पुष्प होते हैं, बिल्कुल खिले हुए होने चाहिए, कलियों का इस्तेमाल आप ना करें। पुष्प भी हम आपको दिखा देंगे कि जो गुलाब के पुष्प होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये गुलाब के पुष्प हैं। तो ये 5 गुलाब आप ले लें, जैसे कि मान लीजिए ये वाइट कपड़ा है, तो इस तरह से आप लें, और इसमें आप इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। एक कॉर्नर में रखें या फिर बीच में आप रख सकते हैं। रखने के बाद इसमें आपको 5 लौंग रखनी है, जो लौंग हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल फूल वाली लौंग होनी चाहिए, 5 लौंग रख लें। साथ में 5 बताशे, जो बताशे हम लोग भगवान को कभी कभी भोग लगाते हैं, सत्यनारायण की कथा होती है, उस बताशे को भी आपको लेना है। इन सभी चीजों को लेकर आप एक प्रकार से इस तरह से गीठ लगा दें, एक पोटली नुमा आपको इस तरह से बना लेनी। ये मैं इसलिए आपको करके दिखा रही हूँ कि जिससे आपको आसानी हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत क्वेश्चन भी पूछने लगते हैं। इस तरीके से एक पोटली आप तैयार करेंगे, और ये पोटली आपको किसी बहते हुए जल या फिर तालाब या फिर शुद्ध जो नदियां होती हैं उसमें प्रवाहित करना है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से उपाय भी है। इस तरीके से आप यदि इस पोटली का प्रयोग करते हैं तो भी आपके कर्ज उतरने के बहुत सारे रास्ते आपको नजर आएंगे। और यह उपाय आपको 2 से 3 बारी करना होता है, यानी कि आप रविवार के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं या फिर मंगलवार के दिन भी आप कर सकते हैं इसमें से। और हर बारी आपको नया कपड़ा लेना है 1.5 मीटर, हर बारी आपको 5 गुलाब के पुष्प लेने हैं, हर बारी आपको 5 लौंग लेने हैं, और 5 बताशे लेने हैं। इस तरीके से सभी चीजों को लेके आप जल प्रवाह करें, और अपने कर्ज के उतरने के लिए भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने इष्ट से प्रार्थना करें। इस तरह से ये उपाय करें, ये बहुत ही कारगर उपाय है, इस तरह से ये उपाय करें। अगला उपाय भी बहुत अच्छा है, जैसे कि ऋण मोचन मंत्र है, उस मंत्र का आप जप करें हनुमान जी के सामने। उसमें भी आपको गुलाब के पुष्प भगवान जी को अर्पित करने हैं, और आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, और वहीं पर खड़े होके ऋण मोचन स्त्रोत का पाठ करना है। ऋण मोचन एक मंत्र है, वह मंत्र हम आपको दिखा दे रहे हैं। दोस्तों ये मंत्र आपको कनक धारा स्त्रोत, जो ये कनक धारा स्त्रोत है, इसमें भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे ऋण मोचन मंगल स्त्रोत है, आप देख सकते हैं, ये आप इसका पाठ कर सकते हैं, या फिर आप प्रतिदिन 108 बारी इसका जप भी कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में आप जाके करें, या फिर अपने घर पे ही हनुमान जी के प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं, और वहीं पे बैठ के आपको ये पाठ करना होता है। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी हनुमान जी की पूजा करें तो आप राम दरबार की जो प्रतिमा होती है उसे जरूर रखें, अकेले हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती है। तो इस बात का ध्यान करते हुए आप वहीं पर इस तरह से पूजा के लिए व्यवस्था करें। और हम आपको ये मंत्र स्क्रीन पर लिख कर दे देंगे, आप वहां से आराम से ले सकते हैं और इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से है, मंगलो भूमिश्चा ऋण हर्ता धन प्रदा स्थिरासनो महाकाय सर्व कर्मावरोधका। इस प्रकार से ये मंत्र है, और ये मंत्र आप मंगलवार के दिन या फिर रविवार के दिन से इसका
पाठ कर सकते हैं, यानी 108 बारी इसको जप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला से, लाल चंदन की माला से। ये ऋण मोचक मंगल स्त्रोत एक प्रकार से है, आप इस तरह से करें और हनुमान जी के मंदिर में कर सकते हैं, तो इससे भी आपको काफी लाभ मिलता है। दोस्तों ये उपाय जो होते हैं देखने सुनने में बहुत ही छोटे लगते हैं, लेकिन इनका प्रभाव, इनका जो प्रतिफल होता है बहुत ही लाभकारी होता है। यदि आप पूरी शिद्दत से आप इस पाठ को करते हैं ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का, तो बहुत लाभ मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।